हाय एवरीवन, आज ये कुछ ब्लॉग नहीं है, बस हादसा हो गया। और वो हादसा हुआ है हमारे, मैं जहाँ पर रहता हूँ हमारे घर पे। मैं फ़िलहाल गोलाघाट में हूँ। मैं गोलाघाट तीन दिन पहले यहाँ पर गोलाघाट में वापस आ गया। मैं इतने दिन ग्वालपरा में था। और हमारा जो गली है, हमारे घर में जाने का जो गली है, पहला जो घर मिलता है तो हमारा एरिया का ही लोग है। क्या बताऊँ, मुझे मतलब मेरा वर्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं आप लोग को दिखाने की थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मतलब कितना बड़ा आग लगा है वहाँ पर। मतलब पूरा घर जल चुका है, सच में बोल रहा हूँ। इतना मतलब दिल में दुख हो रहा है कि क्या क्या बताऊँ, क्योंकि वीडियो देख के मतलब मैं सच में बोल रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आ गया था जब मैंने पहला वीडियो देखा था। मतलब ऐसे ऐसे में मुझे कॉल आया था एक दोस्त दोस्त का कि तुम्हारे पार एरिया में आग लगा है, तो मुझे पता भी नहीं था। फिर मैंने कॉल किया, फिर पता चला कि हाँ जी आग लगा है। लेकिन मैं सोचा नहीं था कि मतलब इतना बड़ा आग लगा है। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, शौक हो गया बहुत। मैं बहुत शौक हुआ कि ऐसा आग लगा है। और जितना तक मुझे अभी तक जानकारी मिला है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगा था। और अभी तक 4 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है अभी तक। और फायर ब्रिगेड अभी पहुंच चुके हैं, और फायर ब्रिगेड आने में भी थोड़ा देर कर दिया, इसी वजह से और ज़्यादा आग फैल गया। पूरा घर मतलब एक भी सीट, एक भी रूम नहीं बाकी रहा। पूरा का पूरा घर जल चुका है। थोड़ा आप लोग को मैं क्लिप देखा था, एक बार क्लिप देखिए आप लोग। तो आप लोग ने देख लिया क्लिप, तो यही थोड़ा क्लिप मैंने मुझे मिला अपने दोस्तों के द्वारा, क्योंकि मैं तो वहां पर हूं नहीं। और मैं मतलब क्या ही बताऊं, अभी अगर मैं वहां पर प्रेजेंट होता भी तो क्या करता, कर तो कुछ नहीं पाता। लेकिन दिल में अभी यहाँ पर होके भी मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना बुरा लग रहा है। एंड पुकू, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो बी स्ट्रॉन्ग ब्रो, क्योंकि अभी हो जाता है हादसा ऐसे। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सो ठीक से बात करते बाद में। अभी थोड़ा मतलब बहुत बुरा लग रहा है मुझे।